सारणाम सारसों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल 2022 में आज बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है और ऐसे में जनता के नजरिए में सिद्धार्थ नगर में कितना बदलाव आया है, सिद्धार्थ नगर वासियों का रुझान किस पार्टी की ओर है, ये जानने के लिए जनता के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। सहारा प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियान विधानसभा सीट पर। इस विधानसभा सीट से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट से मात्र 171 वोट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है, यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है, क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या वादा उन्होंने किया था, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय तमाम लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि डुमरियागंज के विधायक के कामों से वो कितना संतुष्ट हैं या उनके विकास को लेकर इनकी क्या राय है और वो क्या चाहते हैं, आप बताइए। डुमरियागंज के विधायक के काम जिन्होंने पिछले 4.5 साल में जो काम किया है, उस काम से आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब उनके काम से उनका काम ही क्या हुआ, जो गेट बना है, गेट के अलावा कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। और उनके गेट के अलावा जो समाजवादी कार्य हुए थे उसके पहले, चाहे एम्बुलेंस हो, सारी चीज़ें जो जनता की सुविधाएं चीज चली थी, आज उसको लुंजपुंज कर दिया गया है। उनकी व्यवस्था जो योगी सरकार की जो व्यवस्था है, और माननीय विधायक जी ने जो काम किया है वो स्वतः अपना विकास किया है। आप देख लीजिए जिस तरीके से डुमरियागंज में आए थे, एक गाड़ी से आए थे, आज कई गाड़ियां घूम रही हैं उनके साथ, कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, वो अपनी खुद का विकास किया है, वो दूसरों का विकास नहीं। जनता खुद परेशान है और जनता आने वाले समय पर जवाब देगी, और आने वाले समय पर अखिलेश यादव की सरकार आएगी। देखिए, इनका कहना है कि विधायक जी ने यहाँ तो विकास नहीं किया है, लेकिन उनका खुद का विकास हुआ, एक गाड़ी लेकर आए थे, तमाम गाड़ियाँ उनके साथ चल रही हैं और हमारे साथ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। देखिए, इनका यह कहना है कि डुमरियागंज के विधायक ने कोई विकास नहीं किया, डुमरियागंज के विधायक ने क्या काम किया है, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विरोधी का तो काम ही कहना है, क्योंकि कभी रोडों पर चश्मा लगा के चलते थे तो उन्हें गेट के अलावा और कोई रोड, चाहे बारात घर हो या फिर इंटर कॉलेज हो, फायर सर्विस हो या सड़कें हो, अधिवक्ता भवन हो, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक व्यक्तिगत विकास का सवाल है कि एक गाड़ी लेके आए थे, तो अगर इतिहास उठाया जाएगा तो मैं भी 15 साल तक हूँ, किसी के पास 4 गाड़ी नहीं थी, ठीक, चाहे वो तो समाजवादी का नेता हो या कोई बसपा का हो या कोई भाजपा का हो, सबके पास कोई सिंगल स्कूटर थी, कभी कभी स्कूटर या मोटरसाइकिल थी, आज सबके पास फॉर्चूनर है। तो लोगों ने तो अपना विकास किया, ऐसा नहीं कि डुमरियागंज विधायक ने अपना विकास किया और लोगों ने अपना नहीं किया। पहले सवाल का जवाब तो ये है, ये आरोप लगाना है कि केवल अपना विकास किया तो इतिहास उठा के जिसने कहा वो देख ले कि किसके पास क्या था, हमारे पास क्या था, उनके पास क्या था, आज सबने अपना विकास किया, तो उन्होंने अगर एक ठी दो ठू गाड़ी उनके पास हो गई तो कोई अशोक तो है नहीं। और विकास के मामले में कोई सवाल कर ले, कहाँ नहीं विकास है, गेट तो उनका अपना है, गेट तो भाई जगह जगह महापुरुषों के नाम पर है, धार्मिक है, तो गेट तो विकास है, सड़कों का भी विकास है, किसमें तुलना करेंगे, वो कहाँ जनता परेशान है। देखिए, इनका कहना है कि विकास तो सभी ने किया, सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि विधायक के कामों से और लोग कितना संतुष्ट हैं और क्या चाहते थे, आप बताइए। विधायक जी ने जो काम किया है उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या करना चाहते हैं? विधायक जी ने काम तो कोई किया नहीं, हम कोई काम दिखाई तो दे नहीं रहा है। जैसा योगी सरकार की बात है तो यहाँ इस सरकार में सबसे ज़्यादा दलितों की हत्याएं, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, हाथरस की बेटी से लेकर के प्रयागराज और आजमगढ़, तमाम जगहों पर दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है सरेआम। अभी आजमगढ़ में 4-4 लात हुई, प्रयागराज में देखिए फिर 2-1 लेखपाल उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। इस राज्य में केवल भयावह है, केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और कोई इनका विकास का काम नहीं, यही एक काम इनका है, सिर्फ भया है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ हिंदू मुसलमान भी चल रहा है कि विकास भी हो रहा है? ऐसा कहीं नहीं हुआ है,
4.5 साल का जो कार्यकाल बीता हुआ है, कोई मुसलमान भाई ये नहीं कह सकता है कि मैं सताया गया हूँ, मैं दबाया गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो सुविधाएं हिंदू को मिल रही है, वही सुविधाएं मुसलमान को भी मिल रही हैं। और ये जो काला चश्मा लगा, इसके वजह से विकास नहीं दिख रहा है, विकास देखने वालों को दिखेगा। 7 मीटर से कम की चौड़ी कहीं सड़क बनी नहीं रही, आप देख रहे होंगे, कहीं भी जाएं बासी वाली सड़क देख लीजिए या मान लीजिए ये उतरौला वाली सड़क देख लीजिए, 7 मीटर से कम अभी तक यहाँ 3 मीटर से चौड़ा कोई सड़क नहीं था। 3 मीटर से चौड़ा कोई सड़क नहीं था, 7 मीटर की चौड़ी बनी है, ऐसा इनका कहना है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। विधायक जी से क्या अपेक्षा थी, क्या चाहते थे कि और कितना विकास करें वो? विधायक जी अपने जितना अपेक्षा हम लोग किए थे उससे कहीं ज़्यादा खरे उतरे हैं, और जो उम्मीदें थी कि विकास कार्य होना है, देखिए डुमरियागंज खास कर लिया जाए, डुमरियागंज भी बहुत ही असंवैधानिक लोग कब्जा कर रखे थे ज़मीनों पर, गवर्नमेंट सरकारी ज़मीनों पर, इसको खाली कराया गया है, चाहे वो पटेल पार्क हो, चाहे वो जो है अभी माली महीना में अभी 64 बीघा खाली कराया गया है, वहाँ देखिए बेवा मुस्लिम तिरंगा कराया गया। तो यहाँ जो जिनका कब्जा हटा है वो जाहिर सी लोग कहेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ, विकास तो इतना हुआ जितना उम्मीद नहीं किया जा सकता था, उम्मीद से कहीं ज़्यादा विकास हुआ डुमरियागंज, उम्मीद से कहीं ज़्यादा विकास हुआ है ये इनका कहना है। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो ज़मीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया था उनसे भी ज़मीन खाली कराएंगे, और लोगों से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी के कामों से, कितना संतुष्ट हैं, क्या विकास हुआ है? अभी भाई साहब ने कहा कि विकास की पराकाष्ठा है, लेकिन अगर आप क्षेत्र में चलें और माननीय चिंकू यादव जी के कार्यों को देख लें और माननीय विधायक जी के कार्यों को देख लें, तो आप केवल आप शिलापट देख लीजिए, हिसामुद्दीनपुर और भैसहिया से मेरे ग्राम पंचायत से भाजपा आज तक जीतती आई है, लेकिन माननीय विधायक जी कह दें कि 1 पैसे का भी कार्य अगर हिसामुद्दीनपुर भैसहिया में किया गया हो तो मैं मान लूं। एक गौशाला खुला है, पूरा दिन वहां से गायें निकल के फसल चरती हैं, विकास के नाम पे तो कोई तुलना नहीं है, चिंकू यादव का और माननीय विधायक जी का कोई तुलना नहीं है। किसानों के ऊपर जो ये 3 कृषि कानून बिल वापस किए गए, अगर इसको वापस ही करना था तो फिर लगाया क्यों गया, और लगाया गया तो 880 किसानों की जो हत्या हुई, जो 880 किसान मरे, माननीय मंत्री के सुपुत्र द्वारा जो किसान को कुचला गया, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? अगर सही हो तो आप बताइए। और विकास के मामले में क्षेत्र में हमारे सभी भाजपा के साथी निकल चले, चल के क्षेत्र में देखें कि किसका कार्य 5 साल पुराना जो कार्य किया गया था उनके शासन में चिंकू यादव जी के, आज तक वही पड़ा है, एक भी कार्य कहीं कराया गया हो तो बतावें, जवाब दें। भाजपा के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है जितना सपा के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा इनका मानना है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको क्या लगता है विकास के मामले में डुमरियागंज में विकास कितना हुआ है और क्या उम्मीदें हैं आपको? हम डुमरियागंज 306 डुमरियागंज के बारे में ये बताना चाहते हैं कि अगर विकास के मामले में कंपटीशन करना चाहेंगे तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उनके पास सिर्फ सिंगल एजेंडा है, सिंगल पॉलिसी है, हिंदू और मुसलमान की। अगर ये भावनाएं अगर अपने विधानसभा में अगर लागू नहीं की तो कंपटीशन से बाहर रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और विकास के नाम पे तो बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मैं। और विकास की बात कर रहे हैं, मैं एक अपने वार्ड का स्वयं जनप्रतिनिधि हूँ। हमारे 4 साल बीत गए हैं सवा सदी को, हमारे वार्ड में शुरू से लेकर अंत तक एक ईंट भी नहीं रखाई है। और जो है यही हाल हमारे एक सभासद हैं सुनील जी, एक सभासद हैं नसीम जी, इस तरह से पूरे नगर पंचायत का मामला है। नालियाँ खुली पड़ी हैं, ढक्कन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब विकास के नाम पर कुछ भी डुमरियागंज नगर पंचायत में काम नहीं हुआ है। और अगर किसी का विकास हुआ तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ सिंगल पॉलिसी है, हिंदू और मुसलमान, विकास के नाम पे कंपटीशन नहीं हो पाएगा इस डुमरियागंज में। देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे ये है, आपको बताना जरूरी है कि जो यहाँ के विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो हिंदू अवानी के प्रदेश प्रभारी हैं, ये वो हिंदू अवानी जिसके संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनका ये मानना है कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान ही लड़ेंगे तभी संभव है, अदरवाइज इनका इनके अनुसार से विकास का कोई तुलना ही नहीं। आपको क्या लगता है कि विकास का कोई तुलना नहीं है डुमरियागंज में? नहीं नहीं, विकास तो बहुत हुआ डुमरियागंज। यहाँ पे जो हमारे सभासद महोदय कह रहे हैं, सहियापुर में देख ले, करोड़ों रुपए का गौशाला बना, अधिवक्ता भवन बना है, चौराहे पे सौंदर्यीकरण हो रहा है। विकास के मामले में माननीय विधायक जी नंबर वन है, अब विरोधियों को नहीं दिख रहा है तो उसको लिए क्या किया जाए? अभी जल्दी ही माननीय सांसद जी द्वारा क्या नाम है रिक्वेस्ट करके श्री राघवेंद्र प्रताप जी हमारे विधायक 28 सड़कें क्या नाम है स्वीकृत कराए हैं जल्द ही, जिस पे काम चल भी रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है, काला चश्मा लगा के वो लोग बैठे हैं।
और उन लोगों को ये होना चाहिए कि देखना चाहिए और भी काम। कमियां गिनाने में आदमी लगा रहता है, अपनी कमियां नहीं गिनाता है। और रही बात कह रहे हैं कि राघवेंद्र प्रताप जी के काल में थोड़ा कम काम हुआ है, और जगह जगह पर हमारे साथ चल के आप घूमिए और देखिए कि उनका कार्य ज़्यादा है, इनका कार्य ज़्यादा है। उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे क्या नाम है, देश में पूरा विश्व कोरोना काल में परेशान था। कोरोना के महामारी से जूझते हुए हमारे माननीय राघवेंद्र प्रताप, हमारे क्या नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएं, और इस महामारी से निस्तारण हुआ। सब लोग क्या नाम है इससे मतलब सब लोग वैक्सीन फ्री मुफ्त लगवाएं, और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि क्या नाम है मिल रही हैं। पहले था कि एक गांव में एक आवास, दो आवास, पांच आवास था, अब इस समय एक एक गांव में 60-60 आवास है, और शौचालय मिलता ही नहीं था लोगों को, 12-12 हज़ार रुपये शौचालय मिल रहा है। श्री माननीय राघवेंद्र प्रताप जी हमारे जो विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने कोशिश करके अभी माननीय सांसद जी से और 28 सड़कें स्वीकृत कराई हैं, जो कि सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा। आप वही बात कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो क्या चाहते हैं। विधायक जी ने जो विकास किया है उस विकास से आप संतुष्ट हैं कि अभी और विकास की उम्मीद है आपको? देखिए विधायक जी ने जो विकास किया, ठीक है, संतुष्ट नहीं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डुमरियागंज नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास किया है, चाहे वो एक निचले स्तर निचले तबके को लेकर के और ऊंचे ऊपर तक के सारे लोगों को संतुष्ट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, उसके साथ साथ डुमरियागंज में जो दिख रहा है वो विरोधियों को नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे यहाँ कागजों पर काम नहीं हुआ है, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम करने के साथ साथ गांव से लेकर के शहर को जोड़ने का काम किया, चाहे हमारे चकचई से लेकर के आप देख लीजिए प्रधानमंत्री पिरैला से लेकर के जोड़ने का काम किया, चनरदीप घाट से लेकर के डुमरियागंज को जोड़ने का काम किया। अभी तक कहाँ था विकास, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं, और इसलिए बधाई दे रहा हूं क्योंकि हम लोग उस लाभ से वांछित हैं और उस लाभ को हम लोग पाने का काम कर रहे हैं, और एक एक व्यक्ति का लाभ पहुंचा है। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी कोई भी हो, ग्राम पंचायतों में जिस तरह से ब्लॉक के द्वारा प्रमुख से लेकर के और विधायक तक जिस तरह से कोविड में लोगों के घर पर जाकर के विधायक जी ने जिस तरह से काम किया वो अपने आप में एक मिसाल का काम है। कोविड में कोई नेता दिखाई नहीं देता था, कोविड में सारे नेता अपने घर घुस गए थे, उस कोविड में अपने परिवार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही बन करके क्षेत्र में दौड़ता रहा, और उस सिपाही की देन है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। देखिए इनका अपना दलील है कि कोरोना काल में विधायक ने खूब मेहनत किया, विधायक ने कितना मेहनत किया, सच्चाई क्या है और उनको लोगों को क्या उम्मीद है। देखिए इनका कहना है कि विधायक जी ने खूब मेहनत किया, आप तो आरोप लगा रहे हैं विधायक ने कुछ नहीं किया, अब क्या इनके आरोप बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनके बातों पर कहने की क्या बात है, ये लोग तो भाई कागजों की बात कर रहे हैं जैसे चश्मे की बात कर रहे हैं। हम तो देखते हैं सभी लोग काले चश्मे लगाए रहते हैं अक्सर, लेकिन रही बात जो चश्मे की, जब विकास होगा तभी तो कोई देखेगा। विकास जो बताया, जो विकास इनका था, जो 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 रोड बताया इन्होंने, ये सपा के ही कार्यकाल में ही पहले से बना हुआ था। अब उसको रिपेयरिंग करके नाम ले लेना अलग बात है, नाम बदल करके नाम बदल देना, उद्घाटन पर उद्घाटन कर देना अलग बात है। ये बताए कोविड की बात करते हैं, इन्होंने कितने अस्पताल बनवाए हैं डुमरियाज में, कितने अस्पताल बने हैं? जो पुराने अस्पताल थे सपा गवर्नमेंट के ही अस्पताल है, चाहे वो बीमा का ले लीजिए चाहे अन्य और कोई ले लीजिए। बताइए कोई इन्होंने जो विकास की दावा किया है कितनी विकासें हुई हैं? कोविड में किसी के घर जाने से क्या मतलब, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की क्या प्रबंध थी उस समय? जो पुरानी सपा सरकार की जो सुविधाएं थी 108 से ही लोग कोरोना के जो मरीज हुए थे लदलद करके गए, वो माननीय अखिलेश यादव की देन है, उनको बधाई देने के पात्र कि उन्होंने आगम जानी है और उनको पहले से पता था कि ऐसी कोई प्रकोप आएगी जिससे निपटने के लिए ये कारगर साबित होगा। उन्होंने ये चीज़ जो है 108 चला करके उन्होंने कारगर साबित किया। देखिए कोरोना काल में समाजवादी पार्टी द्वारा जो उपकरण था जो उनके द्वारा किया गया था, इनका कहना है कि वही हुआ। मेरे साथ और भी लोग हैं, जैसे इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो संसाधन मुहैया कराया था उसी का उपयोग कोरोना में किया गया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। अब चीज बड़ा ताजुब लग रहा है कि इन्होंने कहा सब कुछ, क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ ज्योतिष भी थे जो इसके 4 साल पहले जान लिए कि कोरोना आएगा, क्या ऐसा था? इसके मतलब वो मुख्यमंत्री छोड़ के अपने घरों में ज्योतिष का काम करते थे जिससे वो जानते थे कि आपदा आएगी, ये समय बाढ़ आएगी, ये समय कोरोना आएगा, वो तैयार थे। देखिए विरोधियों का काम ही है, ये कह रहे हैं कि हमारी सड़कें थी,
क्या मतलब आज़ादी के बाद इन्हीं की सरकार थी जो इन्हीं की सारी सड़कें थी, मतलब सपा सरकार की, और मेडिकल की बात सुविधाएं बात करें ठीक है, लेकिन आज जितने हिंदुस्तान या प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुले हैं कहाँ एक को मेडिकल कॉलेज सपा शासन ने बताएं, कठू मेडिकल कॉलेज आज सिद्धार्थनगर आपको मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा, वो तो इतना बड़ा खुल के उद्घाटन भी हो गया, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको गली का वो आंगनबाड़ी केंद्र पे वही जो बनवाए थे वही दिखाई दे रहा, वही इनको अस्पताल लग रहा, मेडिकल कॉलेज इनको अस्पताल नहीं लग रहा, अस्पताल की सुविधाएं अस्पताल नहीं लग रही है, असल में इन्होंने गली कूचे की राजनीति की है, राष्ट्रीय स्तर के तो किया नहीं, इनको वही गली कूचा याद है, दूसरा क्या याद रहेगा। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बना इनका ये कहना है, भाजपा के लोगों का ये कहना है, और स्थानीय लोगों को जो उम्मीद थी उस पर विधायक जी कितना खड़े उतरे हैं कितना नहीं खड़े उतरे हैं, अभी तो जब चुनाव के चूंकि बिगुल बच चुका है, अभी किसी प्रत्याशी की घोषणा तो यहाँ हुई नहीं कि कौन दल से किस दल से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इतना बहुत सच है कि यहाँ डुमरियागंज विधानसभा का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। डुमरियागंज विधानसभा से अजय श्रीवास्तव, सारा समय सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर में पब्लिक के बीच किसकी लहर है, सिद्धार्थनगर की जनता की नब्ज टटोलेंगे और इसी कार्यक्रम के बीच आपको बताएंगे कि आखिर सिद्धार्थनगर की जनता का रुझान किस पार्टी की ओर है, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल, ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत, फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान, फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स है हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6,000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम। किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान,
डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। और आइए आपको सिद्धार्थनगर की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं, जिसमें चार सीट पर बीजेपी और एक सीट पर अपना दल ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि डुमरियागंज सीट सिद्धार्थनगर जिले की काफी अहम सीट मानी जाती है। 2017 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार यहां किसकी जीत होगी ये तो जनता आने वाले वक्त में तय करेगी, लेकिन सिद्धार्थनगर की पांच सीटों में इन 4.5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, महिला सुरक्षा रोजगार के मुद्दों पर सिद्धार्थनगर की जनता क्या कुछ कहती है, 2022 में किस पार्टी की जीत संभव है और क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, इस बारे में ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डुमरियागंज में ही मौजूद हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव। अजय, क्या कहती है जनता की नब्ज की सिद्धार्थनगर में किस पार्टी की लहर है, जनता का रुझान, जनता का झुकाव किस पार्टी की ओर नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में पांच जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 2017 में चार पे भाजपा और एक पे अपना दल ने कब्जा कर रखा है। लेकिन बात करें अगर डुमरियागंज विधानसभा सीट की, जहां पे हम आज मौजूद हैं, डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जनता के बातों को सुना गया, जनता ने जिस तरह से बताया, उससे साफ जाहिर होता है कि यहां पे लड़ाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे तो अभी पता चलेगा, तो बीजेपी के जो विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह से ही लोगों की लड़ाई होगी। क्योंकि इनके बारे में जनता की जो राय रही है कि कोरोना काल हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे जो है लोगों के बीच उठना बिठना हो, क्षेत्र में ज्यादा रहना हो, इस सब के बातों को लेकर के इनका जो है एक अलग छवि यहाँ पे है। और यही नहीं, सत्ता पक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के लोगों का भी यही मानना है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्र में खूब काम किए हैं। लेकिन सवाल उठता है काम से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें क्या स्थिति बनने वाली है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र जो है काफी यहाँ पे जो 2022 में मुकाबला होने वाला है काफी रोचक होने वाला है। अब जीत का सहरा किसके सर पे जाएगा ये तो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी किसी भी पार्टी के लोगों के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। पहले प्रत्याशी का घोषणा हो जाए फिर इसके बाद ये कहना उचित होगा कि डुमरियागंज या सिद्धार्थनगर जिले की राजनीतिक स्थिति क्या होगी। जी, उसके अलावा स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सिद्धार्थनगर में स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पर जनता कुछ हद तक संतुष्ट है और कुछ हद तक संतुष्ट नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए सड़क बिजली नाली समस्या तो एक कॉमन चीज है, लेकिन सिद्धार्थनगर की जो सबसे जरूरी चीजें थी, जो सबसे यहाँ के लोगों की जो डिमांड रही है, यहाँ कोई औद्योगिक जो क्षेत्र नहीं है, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, लेकिन जो है लोगों के रोजी रोटी की जो बात की जाए, औद्योगिक विकास से सिद्धार्थनगर जिले में नहीं हो पाया। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ इस जिले में दो दो मंत्री हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, सांसद भी जगदम्बिका पाल है, लेकिन वो उम्मीदें लोगों की खरी, मतलब लोगों की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पे ये नेतागण खड़े नहीं उतर पाए। 4.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई औद्योगिक जो है मतलब काम नहीं हो पाया जिससे रोजी रोटी लोगों को आसानी से मिल सके। जी, उसके अलावा 4.5 साल पहले, क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, बहुत करीब से जनता की नब्ज को टटोलते हैं, 4.5 साल पहले जब बीजेपी की सरकार बनी और आज 4.5 साल के बाद, आप सिद्धार्थनगर की तस्वीर में कितना परिवर्तन देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? देखिए,
देखिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी काम हुआ था, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार देखा जाए 2017 से लेकर अब तक का जो काम की स्थिति है, 2012 से 2017 की जो तुलना की जाए तो दोनों में थोड़ा सा फर्क नजर आता है, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं बहुत खराब यहाँ की थी। मेडिकल कॉलेज बन जाने के नाते लोगों को जो पहले गोरखपुर जाना पड़ता था, अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, अब यहाँ आसानी हो गई है। सबसे और 250 सड़कों की, तो सड़कों का बहुत बुरा हाल था, तो सड़क को लेकर के भी लोग जनता को काफी राहत हुई है कि सड़कें जो बड़ी मुख्य सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, वो काफी हद तक इस कार्यकाल में भाजपा के कार्यकाल में बन चुका है। लेकिन जो जनता की और कितनी उम्मीदें हैं, जनता और क्या चाहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अजय, आप जनता के बीच जाते रहिए, उनकी नब्ज टटोलते रहिए, और हम भी अपने आपसे वादा करते हैं, सहारा समय के दर्शकों से वादा करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो लगातार आप तक पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अजय, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।